हेलो, लखनऊ की ये रॉकेट वुमेन कर रही है चंद्रयान मिशन को लीड। जानिए कौन है रितु करिथाल श्रीवास्तव। जी हाँ, शुक्रवार का दिन भारत के लिए आज बेहद खास दिन है। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। भारत शुक्रवार यानी कि आज श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग कर रहा है। आज दोपहर 2:53 पर भारत का चंद्रयान 3 कुल 6 पैलोड्स के साथ अपनी अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक रितु करिथाल श्रीवास्तव है, जिन्हें लखनऊ में रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। रितु करिथाल श्रीवास्तव का लखनऊ से गहरा नाता है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की, उसके बाद गेट क्वालिफाइड कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। रितु ने सन 1997 में इसरो के साथ बतौर एरोस्पेस साइंटिस्ट के रूप से जुड़ी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रितु श्रीवास्तव 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रही थी। उन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था, हालांकि पूरी तरह से वो सफल नहीं दिखा। एक बार फिर से रितु श्रीवास्तव ने के नेतृत्व में ही मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। रितु की बहन वर्षा कहती है कि उनकी बहन हमेशा से परिवार का गौरव रही और अब चंद्रयान 2 के लॉन्च के बाद उनका सम्मान और बढ़ गया था। एक बार फिर से उन्हें चंद्रयान मिशन की कमान सौंपी गई है। वर्षा बताती है कि माता पिता के असमय चले जाने के बाद रितु ने ही उनके छोटे भाई बहन को संभाला है। वर्षा ने आगे ये भी कहा कि ऐसी बहुत सी यादें हैं जब वो अपनी माँ और बहन रितु के साथ तारों को देख कर कहा करती थी। खासतौर से रितु के तारों की दुनिया बहुत पसंद थी। वो घंटों तक तारों को देखती रहती थी। कई बार तारों के समूह के बीच किसी एक तारे को और दिखाकर माँ से पूछ लिया करती थी कि उस तारे को कोई नाम दे क्या। रितु अपने भाई बहनों में हमेशा से काफी अच्छी रही है। पढ़ने में सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने में उन्होंने हमेशा फैसला लिया कि वो कुछ करके दिखाएंगी और देश के लिए कुछ ऐसा करेगी कि सभी को उन पर गौरव हो। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।